नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद शुभम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नई भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए ऑल इंडिया लेवल पर मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आगे इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और उसके बाद आप सभी को डिटेल में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं FCI के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब करने के लिए और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से आवेदन कर पाएं, कोई भी मिस्टेक ना करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की लगे, तो आप लोग वीडियो में लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल तक है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और इसके अलावा यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं। देन इसके बाद बात करते हैं हम लोग की सैलरी क्या रहेगी। तो मिनिमम आपकी 60,000 रुपये से स्टार्ट होने वाली है सैलरी और आखिरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC का लगेगा, बाकी अगर आप लोग SC ST PHA फिर किसी भी कैटेगरी की फीमेल महिला कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। अब चलिए डायरेक्ट नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2021 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है उसके अंदर ये जारी किया गया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट है। यहां पे आपको सारी की सारी जो पोस्टें हैं, साथ में यहां पे पोस्ट कोड मिल जाएगा और कितना वेतन रहेगा। मिनिमम आपका यहां पे 4 पोस्टों के लिए 60,000 और एक जो पोस्ट है MO के लिए 50,000 स्टार्टिंग है। और एज लिमिट यहाँ पे 35 साल तक है, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST से लेकर जनरल कैटेगरी तक सभी के लिए वैकेंसीज हैं, आप लोग इसको भी चेकआउट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी आप सभी के लिए दी गई है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। साथ में नीचे आने पर यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप लोग कितना जो है तो यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगा ऑनलाइन टेस्ट का, तो आप लोग कैसे तैयारी कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में दिया गया। निगेटिव मार्किंग, तो नो निगेटिव मार्किंग यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। उसके बाद आप लोग और भी जानकारी यहां से चेकआउट कर पाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहां पे दी गई हैं। साथ में एग्जाम सेंटर के बारे में बताया गया, किस स्टेट का एग्जाम सेंटर कहां पे पड़ेगा, इसको आप लोग देख सकते हैं। सारी चीज़ें एक बार और हम लोग डिटेल में देखेंगे, बस आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको मैंने आपको दिखा दिया, ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेतन 60,000 रुपये से स्टार्ट होगी, 18 से 40 साल की उम्र है तो आवेदन कर पाएंगे। 30 मार्च 2021 आखिरी डेट है, मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है तो भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। चलिए चलते हैं मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, देख पाएंगे FCI AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड MO ऑनलाइन फॉरम है 2021 के लिए। 26 फरवरी 2021 का बड़ा अपडेट है और अधिक जानकारी के लिए आप लोग spgyan.com पे भी जा सकते हैं। टोटल इस बार जो वैकेंसी मिलेगी आपको 89 यानी कि 89 पोस्टों पर मिलेगी और पोस्ट नेम यहाँ पे आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन AGM के अंदर टेक्निकल AGM अकाउंट्स AGM लॉ और MO यानी कि मेडिकल ऑफिसर की मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 1 मार्च से लेकर आप लोग 31 मार्च 2021 तक अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 18 से लेकर 40 साल की होनी चाहिए। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल OBC का नोटिफिकेशन में चेकआउट करना पड़ेगा और SC ST PHA फिर किसी भी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार का कोई भी अप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं लगेगा। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे क्लिक पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जो कि FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होने वाला है। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन से राज्यों से आवेदन कर पाएंगे लिस्ट है और इसके बाद आपका यहाँ पे वेतन बताया गया है। AGM के अंदर 60,000 रुपये से लेकर 1,80,000 तक और MO के अंदर 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये तक आपको वेतन मिलेगा। देन इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन है 10th पास 12th पास और ग्रेजुएट डिग्री है तो आवेदन कर पाएंगे। 31 मार्च 2021 आखिरी डेट है और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। नीचे आएंगे तो आपको अप्लाई का सेक्शन मिलेगा जो कि
परसों यानी कि 1 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा और डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप किसमें से ओपन करेंगे, जहां से भी मनो आप लोग ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट भी यहां पे दी गई है, आप लोग सिंपली ओपन कर सकते हैं और यहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 1 तारीख के दिन ऑनलाइन का जो लिंक वो एक्टिव कर दिया जाएगा, तो आप लोग सिंपली क्लिक करके आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आवेदन करके दिखाऊं, तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।